हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों की स्पेशल मैंगो मस्तानी ठंडा ठंडा कूल कूल, यानी कि मैंगो शेक रेसिपी। इसे बनाना है बहुत ही आसान, आप लोग भी इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और पलक झपकते ही हमारी रेसिपी तैयार, बहुत ही यम्मी सी प्यारी सी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 मैंगो, हम इसे अच्छे से धुल के कट कर लेते हैं। देखिए मैंगो हमारे कट चुके हैं, इन्हें रफली ही छोटे बड़े टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि हम इन्हें मिक्सी में पीसने वाले हैं। और इसके साथ हमने लिया है 1 कटोरी चीनी और 1 ग्लास मिल्क। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। देखिए हमने आम, चीनी और मिल्क को पीस लिया है और हमने एक भगोने में इसे डाल दिया है। अब हम इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास आइस क्यूब्स हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसी शेक को फ्रिज में रख सकते हैं। हमने 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था और अब देखते हैं ये एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ग्लास में ट्रांसफर करते हैं। चलिए ड्राई फ्रूट और आइसक्रीम से इसकी टॉपिंग करते हैं। ये मैंने ली है ड्राई फ्रूट ओवरलोडेड आइसक्रीम, जो मैंने स्विगी से ऑर्डर की थी। आप देख सकते हैं ये मैंने नाइस रेस्टोरेंट से मंगाई है। तो आइसक्रीम हमारी देखिए कितनी अच्छी है, ये इसकी हम टॉपिंग करेंगे। तो देखिए 1 by 1 हम तीनों ग्लास में आइसक्रीम डालेंगे। आइसक्रीम हमने डाल दी है, देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। हमने काजू और बादाम छोटे टुकड़ों में काट लिए थे, अब हम आइसक्रीम के ऊपर काजू और बादाम से टॉपिंग करेंगे। और मैंने ली है ये कलरफुल टूटी फ्रूटी, हम इससे इसकी टॉपिंग करेंगे, जिससे देखिए ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही इम्प्रेसिव लग रही है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंगो शेक हमारा बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी आने वाली आगे की वीडियो में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।